विभाग कर्मचारियों ने की हड़ताल कार्य ठप। मुरादाबाद के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा मांग उठाई कि विद्युत का निजीकरण बंद किया जाए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर विद्युत कर्मचारी मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरने पर बैठ गए और विद्युत कार्य भी पूरी तरह से ठप कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कार्यालय पर हड़ताल की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया कि विद्युत विभाग का निजीकरण बंद किया जाए। और संघर्ष समिति ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किसी भी प्रकार से प्रदेश व आम जनता के हित में नहीं है। निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, जबकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बिना भेदभाव के किसानों और गरीब उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। साथ ही निजी कंपनियों को विद्युत वितरण सौंपने के समय तक के सभी घाटे का उत्तरदायित्व पावर कारपोरेशन अपने ऊपर ले लेगा, जिससे निजी कंपनियों को क्लीन स्लेट मिले। कर्मचारियों ने बिजली कार्य को किया ठप और हड़ताल पर बैठ गए और कहा कि जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे और बिजली कार्य ठप रहेगा। प्रदर्शन में भारी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम विशाल मलिक है। हमारा एक महीने से शांतिपूर्वक कार्य बहिष्कार चल रहा था। एक एक घंटे की हम विरोध सभा कर रहे थे। शाम में फिर कुछ दिनों तक हमने 2 से 5 बजे ही कार्य बहिष्कार भी किया, अपना विरोध सभा की। उससे पहले हमने 28 तारीख को शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन पे मशाल जुलूस निकाला था निजीकरण के विरुद्ध, कि हम अपने सार्वजनिक जो ये उपक्रम है इसको बचाने के लिए। उसमें फिर उसी क्रम में हमारा नोटिस था, एक महीने से हम कार्य हड़ताल पर कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, लेकिन इसमें हमारी नहीं सुनी जा रही। तो हमने नोटिस दिया था कि 5 अक्टूबर से हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार पे जाएंगे अनिश्चितकालीन। तो आज उसी की शुरुआत है, हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार की, और आज पहला दिन है और 10 बजे से 5 बजे तक सभी लोग यहाँ बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे और ये आगे भी चलता रहेगा। नहीं, बिजली चलती रहेगी, बिजली का जो है, लेकिन सिर्फ हम लोग काम नहीं करेंगे, बिजली आप देख रहे होंगे आज भी चली रही है। हाँ, अभी काम बंद रहेगा ऑफिस का, जितना भी ऑफिशियल काम है वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए जो उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु ये हमारी मांग जायज है। हमारा विभाग जो है बेचा जा रहा है और उसमें प्राइवेटाइजेशन के बाद हम लोगों की नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है, रहेगी कि नहीं रहेगी, उसी के विरुद्ध में, और उससे उपभोक्ताओं को और ज़्यादा नुकसान है। इस प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उपभोक्ताओं को जो मिनिमम रेट पे बिजली मिलेगी वो 9 से 9.5 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगी, और किसानों के लिए तो ये बिल एक तरीके से आपदा के रूप में होगा, क्योंकि उनके लिए बिजली 9 से 9.5 रुपये यूनिट के हिसाब से आप लगा लीजिए। अगर एक 5-8 करोड़ की मोटर भी है तो उसका तो 5 से 6 हज़ार रुपये का बिल आएगा, और अगर घरेलू उपभोक्ता है तो उसका भी 10 से 12 हज़ार रुपये का बिल आएगा। तो ये उन्हीं के लिए, सब लोगों के लिए लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं जी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती नहीं, कोई नहीं करेगा जी। हाँ, आज से कोई काम नहीं। हाँ।